नवी मुंबई महानगर पालिका में वर्षों से पनप रहे भ्रष्टाचार को हटाने और करदाताओं के पैसों से जनप्रतिनिधियों के साथ सांठगांठ कर मोटी मलाई ऐंठने वाले भ्रष्ट अधिकारियों पर अंकुश लगाने के लिए बतौर आयुक्त नवी मुंबई महानगर पालिका का पदभार संभालने वाले तुकाराम मुंढे ने पिछले 11 महीनों में अपने अधिकारियों में अनुशासन लाने के अलावा रास्ते पर बैठने वाले फेरी वालों पर कार्रवाई, अवैध निर्माण कार्यों पर हथौड़ा, बरसों से मनपा के राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले छोटे बड़े दुकानदारों के साथ मॉल्स पर दंडात्मक कार्रवाई जैसी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके अलावा शक के दायरे में छिपे कुछ प्रस्तावों को स्थगित देकर मनपा के राजस्व को बचाने का काम भी किया। इतना ही नहीं तो उनकी जनप्रतिनिधियों के साथ होने वाली तूतू मेमे की गूंज सीधे विधानसभा तक गूंजी, जिस कारण मुंडे जैसे ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और नीडर आईएएस अधिकारी के खिलाफ सर्वपक्षीय सदस्यों ने एकजुटता दिखाकर शहर से मुंडे हटाओ का नारा भी दिया था। मगर आम जनता ने शहर में मुंडे जैसे अधिकारी की जरूरत बताते हुए उनके समर्थन में रास्ते पर उतरी। फलस्वरूप सरकार को भी आखिर आयुक्त मुंडे के समर्थन में निर्णय लेना ही पड़ा। इन्हीं तमाम मुद्दों के कारण तुकाराम मुंडे का नाम न केवल नवी मुंबई में छाया बल्कि मुंबई सहित पूरे राज्य में उनके कार्यों और उनके निर्णयों की चर्चा होती रही और आज फिर एक बार उनके कार्यों की प्रशंसा उनकी लोकप्रियता को साबित करता है। और उनकी यह प्रशंसा अब किसी आम जनता ने नहीं तो खुद बॉलीवुड में अपना अधिराज्य स्थापित करने वाली फिल्म अभिनेत्री जूही चावला ने की है। नवी मुंबई शहर को प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के लिए शहर में मनपा द्वारा आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में बतौर अतिथि अभिनेत्री जूही चावला ने शिरकत की, जहां सभी को संबोधित करते हुए उन्होंने यह कहा कि वे आयुक्त मुंडे से इस कार्यक्रम के जरिए भले ही पहली बार मिल रही हो मगर उनके कार्यों का धड़ाका 4 महीनों पहले ही अखबारों के जरिए देख लिया और ऐसे में हिम्मत और ईमानदारी से शहर के हित में उन्होंने जो काम किया है उसके लिए वे उनका अभिनंदन करती है। मुंडे जी, आपके साथ मुलाकात आज हो रही है मगर मैंने आपके बारे में कुछ 3-4 महीने पहले सुन लिया था। आप भाई अखा मुंबई में वर्ल्ड फेमस हो गए, पता नहीं आपको पता है या नहीं मगर मैंने वहाँ पर मतलब न्यूज़पेपर्स में आपके बारे में आर्टिकल्स आने लग गए थे। किस तरह आपने विदाउट एक्सेप्शन यहाँ पर सफाई की है हाँ आप सबको तो पता ही होगा। तो वो सुनने के बाद तुम आपके बारे में आपको नहीं पता होगा मगर हमारे यहाँ पर भी मुंबई में ऐसे बातें होने लगें कि ऐसे लोग होने चाहिए। इट्स सो गुड कि किसी अफसर ने एक स्टैंड लिया एंड टू बी दैट ब्रेव, हिम्मत से और ईमानदारी से काम अपना किया, इसके लिए आपको बहुत अभिनंदन है और हम आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ब्यूरो इनपुट, EW नेटवर्क।